हेलो फ्रेंड्स, मैं आज सॉलिड वर्क में एक एल्बो बनाऊंगा जिसका एंगल 90 डिग्री होगा। इसका ये आइसोमेट्रिक व्यू है। ये यहाँ पर इसका आप सेक्शन व्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसका ऊपर का थिकनेस 2.90 mm है और इसकी डिस्टेंस 63.40, फिर उसका थिकनेस 2.90 है। यहाँ पर इसका हम कैलकुलेटर में ऐड करके बताएंगे कि इसका कितना डायमेंशन पूरा डायमीटर। 2.90 प्लस 63.40, फिर प्लस 2.90, ऑल ओवर 69.2 इसका डायमीटर आया। इसे हम डिवाइड करेंगे बाय 2। इसका यहाँ डेप्थ 40 mm दे रखा है। इसका जो लेंथ है वर्टिकल लाइन का वो 40 mm है। फिलहाल यहाँ पर हम डिवाइडेड 2 कर रहे हैं। 34.6 इसका आया हाफ डिस्टेंस। अब यहाँ पर इसे हम स्केच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ना हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करने के बाद स्केच में जाते हैं। यहाँ से सेंटर लाइन सेलेक्ट करते हैं और वर्टिकल से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके कर दे। यहाँ पर ना मेरा सेंटर लाइन बहुत छोटा ड्रॉ हो गया, इसे डिलीट करते हैं। अगेन हम सिलेक्ट करते हैं सर्कल लाइन, ड्रॉ करते हैं एक वर्टिकल सेंटर लाइन। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगेन हम मतलब दोबारा हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल में होगा। इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इसका हम ना रिलेशन चेक करते हैं, ये वर्टिकल्स है कि नहीं। यहाँ सब वर्टिकल्स हॉरिजॉन्टल सब है। उसके बाद इसका हम डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे इसे स्मार्ट डायमेंशन। तो यहाँ पर इसका हम स्मार्ट डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं, लेंथ 40 mm। फिर भी वर्टिकल्स लाइन का हम लेंथ प्रोवाइड करते हैं 40 mm, सेम 40 mm। उसके बाद यहाँ से हम डायमेंशन ओके करते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन लेंगे और इस लाइन को यहाँ से ट्रैक करते हुए यहाँ एक ड्रॉ करेंगे। फिर अगेन हम एक लाइन यहाँ से ट्रैक करते हुए यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ट्रैक करने से ये पता चलता है कि ये दोनों रिलेशन में है। तो ये भी 40 तो वो भी 40, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 34.60 mm यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। 34.60 mm और इसके बीच की भी दूरी 34.60 डालने के बाद ओके करते हैं। इसके बीच के डिस्टेंस फिर यहाँ से हम लाइन चुनते हैं। लाइन चुनने के बाद यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, फिर कर्सर को मूव करते बैक, फिर ड्रॉ करेंगे तो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर इसे हम रिलेशन में डालने के लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे और दोनों लाइन को लाइन और आर्क को स्ट्रेट करेंगे और टेंजेंट करने के बाद ओके कर देंगे। ये रिलेशन टेंजेंट हो जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ दोनों लाइन को आर्क और लाइन को स्ट्रेट करेंगे और टेंजेंट रिलेशन डाल के ओके कर देंगे। ये हमारा टेंजेंट हो गया। अब यहाँ पर स्केच हमारा फुल्ली डिफाइन हो गया है, क्योंकि ये भी लाइन 40, ये भी 40, क्योंकि 40 के रिलेशन में है। डिस्टेंस भी दोनों का सेम है। तो यहाँ से कमांड फीचर में स्विफ्ट बॉस बेस, उसे हम यूज करेंगे यहाँ पर। अभी स्विफ्ट बॉस बेस यहाँ पर स्केच नहीं, हम सर्कुलर प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें ना मतलब सर्कुलर प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद वो डाया पूछ रहा है और प्रोफाइल पूछ रहा है कि किसको आपको मतलब स्विच करना है। तो यह प्रोफाइल हमारा है जो कि लाइन है, इसे सिलेक्ट करते हैं। इसका डाया हम प्रोवाइड करेंगे 69.2, जो कि हम कैलकुलेशन करने के बाद निकाले थे 69.2, उसे हम यहाँ पर डाल देंगे। 69.2 mm हम डालते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पर ना थिन फीचर में हम सबसे स्मॉलेस्ट डाया जो है
पाइप का वो डालेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट डाया यहाँ पर 62 mm हमें दिख रहा है नीचे में, यहाँ पर 62 mm है, नीचे में 62 mm। वो वहाँ पर उस डाया से हम माइनस करेंगे जो कि इसका फुल डाया है, तो इसका हमें थिकनेस मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम 69.2 माइनस 62 करेंगे तो इसे हमें इसका थिकनेस पता चल जाएगा। थिकनेस डालने के लिए यहाँ पर हम थिकनेस डाल देंगे 7.2 mm। ध्यान रहे कि इसका डायरेक्शन जो है ना 7.2 mm जो थिक की है वो इनसाइड हो, अंदर की ओर, बाहर की ओर होगा तो इसका ऑल ओवर डाया इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रहे कि अंदर ही हमारा डायरेक्शन हो। यहाँ पर सब हम इसे ओके कर देंगे। यहाँ पर इसे हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमें यहाँ पर एक एल्बो तैयार हुआ जिसका थिकनेस 7.2 mm है, लेकिन मुझे यहाँ पर 7.2 mm हर जगह नहीं है, चेंज है। 40 mm जो डिस्टेंस है उसमें हमारा थिकनेस चेंज कर रहा है। तो ऊपर वाला डाया मेरा 63.40, नीचे का है 63 है, तो जाहिर सी बात है कि थिकनेस चेंज हो गया, टेपर में हो गया। अब यह फेस से हमें एक नया प्लेन जेनरेट करना पड़ेगा। प्लेन जेनरेट करने के लिए आपको फीचर में जाना पड़ेगा और उसके बाद फर्स्ट रेफरेंस यह फेस सिलेक्ट किए हैं और जो यहाँ पर फ्लिप ऑफसेट है मतलब अंदर की ओर 40 mm हम प्लेन जेनरेट कर रहे हैं वो फेस से। अब यहाँ पर हम ओके सिलेक्ट कर देंगे। प्लेन जनरेट करने के बाद वह प्लेन को हम सिलेक्ट करेंगे जो भी प्लेन नंबर 1 हम जनरेट किए हैं, फिर वह प्लेन को हम सिलेक्ट करेंगे, प्लेन नंबर 1 को उसमें स्केच करेंगे। स्केच में जाने के बाद यहाँ पर हम 63 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे उसके इस पाइप के सेंटर से। यहाँ पर हम सेंटर इसका फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से इसका सेंटर है, इसके सेंटर पे हमें सर्कल ड्रॉ किया है जिसका डाया 63 है। इसमें स्मार्ट डायमेंशन ले जाकर इसका डाया हम 63 mm प्रोवाइड कर देंगे, 63 mm। ओके, अब यहाँ से हम स्केच से बाहर आएंगे, स्केच कमांड यहाँ से बाहर आए, एग्जिट आ गए। उसके बाद प्लेन नंबर 1 को हम हाइड कर देंगे, हाइड करते हैं। फिर यहाँ पर हम यह फेस सिलेक्ट करने के बाद स्केच करेंगे, उसमें हम ना यहाँ पर हम 63.40 mm का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसका डायमीटर 63.40। अब देखिए इसके ओरिजिन मतलब ओरिजिन के सेंटर से हम ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के बाद इसका स्मार्ट डायमेंशन हम प्रोवाइड करते हैं, स्मार्ट डायमेंशन सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर से इसका हम 63.40 mm डायमीटर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम एग्जिट कमांड से बाहर आ जाएंगे, स्केच से एग्जिट कमांड क्लिक करने के बाद बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक कमांड है फीचर में लुफ्ट बॉस बेस, उसका यूज करेंगे और जो अभी नया जो हम सर्कल ड्रॉ किए हैं दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इन साइड में जो भी सर्कल है उसे पहले यह फिर देन यह दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रहे कि यह मर्ज ना हो, दोनों मर्ज हम अनमर्ज कर देंगे मतलब अनसिलेक्ट कर देंगे, खाली शो प्रीव्यू रहेगा, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हाइड करके इसके ये मेरा बॉडी अभी है यहाँ पर जो कि अलग है। यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे और फीचर कमांड में एक कंबाइन फीचर है उसका यूज करेंगे उसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो मेन बॉडी और जिसे हटाना है मुझे सब्ट्रैक्ट करना है वह यह बॉडी है, यहाँ से उसे ओके करेंगे। यहाँ हमारा वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ये खाली हो गया, सेल हो गया। सेम कमांड हम रिपीट कर देंगे यहाँ पर अभी। तो अभी फिर हम नया प्लेन जेनरेट करेंगे जो कि फीचर में है प्लेन, और यह फेस सिलेक्ट करेंगे, फेस से जो इनसाइड वो मतलब फ्लिप साइड रहेगा 40 mm, फ्लिप ऑफसेट लेंगे ओके। फिर हम
ट्रेन नंबर 2 को स्केच करेंगे उस पर। यहाँ पे स्केच में जाएंगे और यहाँ पर एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेम उसी तरह रिपीट करेंगे कमांड को। पहले 63 mm का एक डाया लेंगे, सेम 63 mm, तो 63 mm का यहाँ से हम डाया से प्रोवाइड करते हैं। फिर सेम हम डायमेंशन ओके करेंगे, स्केच कमांड से बाहर आ जाएंगे, प्लेन को हाइड करते हैं। हाइड करने के बाद हम फिर यह फेस सिलेक्ट करेंगे, स्केच कमांड अप्लाई करेंगे और यहाँ पर से सर्कल सिलेक्ट करेंगे, फिर ओरिजिन से सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर इसका स्मार्ट डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे, 63.40 mm। स्केच से बाहर आ जाएंगे, सेम फीचर में जाएंगे, लुफ्ट बॉस बेस कमांड यूज करेंगे, लुफ्ट बॉस बेस कमांड, और वो नया जो अभी स्केच हम सर्कल ड्रॉ किए दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे इनसाइड में जो है, और उसे हम यहाँ पर देख रहे कि इसका प्रीव्यू लुक दिख रहा है, ओके करते हैं। सॉरी मुझे डायरेक्ट में ओके कर दिया, मुझे वहाँ पे मर्ज कर दिया, मर्ज नहीं करना है, तो मर्ज उससे अनसिलेक्ट करेंगे हम लोग, सिर्फ तो प्रीव्यू रहने देंगे, ओके। अभी हमारा फिर सेम कमांड जाएंगे इंसर्ट में, फीचर कमांड है, कंबाइन है, कंबाइन सिलेक्ट करेंगे और मेन बॉडी और जो हटाना है उसे सिलेक्ट करेंगे लुफ्ट को। यह हमारा सेल हो गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं जिसका बॉडी हमारा रेडी हो गया, जिसका अलग अलग थिकनेस है हर जगह। अब यहाँ पर बोल रहा है कि रेडियस 1 mm इनसाइड की ओर मुझे प्रोवाइड करना है, इनसाइड एज पर, अंदर की किनारे पर मुझे 1 mm रेडियस प्रोवाइड करना है। यहाँ पर फिलेट कमांड यूज करेंगे और यहाँ पर 1 mm सिलेक्ट करेंगे और अंदर वाले एज को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ओके करेंगे। यहाँ पर 1 mm रेडियस प्रोवाइड हो गया, सेम इधर में भी हम अप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद फिर फिलेट कमांड यूज करने के करते हैं और फिर अंदर की एज सिलेक्ट करते हैं, ओके। ये हमारा रेडी हो गया, लेकिन फिलेट कमांड को हम और यूज करेंगे क्योंकि मुझे अंदर में ना 2 mm दोनों एज पर रेडियस प्रोवाइड करना है, तो यह एज जो है इस पर तो 2 mm डालना है। यहाँ पर 2 mm हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ओके करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है रेडी हो गया है। ये 90° एंगल का ये एल्बो है। अब यहाँ से इसका मैं सेक्शन व्यू देखेंगे, तो फ्रंट प्लेन से हम इसका सेक्शन व्यू देख रहे हैं। यह सेक्शन व्यू है इसका, हाफ बॉडी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। हर एक स्टेप को मैं अच्छे से एनालाइज करने का कोशिश किया हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। यह ड्राइंग के मदद से हम यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किए हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू गाइस।